आईवी टीवी के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इन दिनों जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं हम अगर यह कह लें तो लगातार एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए गठबंधन जो है उसके बीच जो है लगातार सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में अगर किसी राज्य में सियासत गरमाई हुई है सबसे अधिक तो वो हम झारखंड के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में जो है ये खबरें लगातार आप दो तीन दिनों से सुन रहे होंगे, जो हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा जो सम्मन भेजा जा रहा है उस सम्मन के बाद वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में जो जेएमएम के विधायक हैं गांडे से, जो उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके बाद चर्चाएं ये तेज हो गई, जो कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो जो है सीएम हो सकती है, हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ सकते हैं, इसके लिए बैठक भी किया गया। लेकिन बैठक में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई, क्या बातें हुई, हम बात करेंगे। हमारे से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, जानेंगे झारखंड की राजनीति को कैसे देखते हैं। ये है जो अब ये कहा जा रहा है जो नहीं सीएम हैं और सीएम बने रहेंगे, और जो सरफराज नाम है ना, सरफराज अहमद, उनके बारे में ये कहा जा रहा है, जो सूत्रों जानकारी आ रही है, उनका बलिदान जो है बलिदान दिया है उन्होंने, अगर पद छोड़ा है तो बलिदान दिया है, वो बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, बाद में उसका उपयोग किया जाएगा। और अभी फिलहाल बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है जो हेमंत सोरेन ही सीएम रहेंगे, तो कैसे ऐसे में आपको लग रहा है आईएनडीआई इंटेक्ट होकर लड़ पाएगी अगर ईडी का सम्मन को वो नहीं जा रहे, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो जो जमीन घोटाले से संबंधित जो है जी, वो एक मामला है। उसी मामले में हेमंत सोरेन की सरकार कह लीजिए, हेमंत सोरेन की पर दाव लगा हुआ है कि ईडी जो सम्मन दिया वो सम्मन को एक्सक्यूट करने के लिए उसके वो उनको हाजिर होना पड़ेगा, नहीं हाजिर हो रहे तो वो बार बार समय ले रहे थे, एक तरह से कहें वो एस्केप कर रहे थे। और हम एक चीज़ और इस पर ले चलेंगे आपको, दो दिन पहले जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि इंडिया अलायंस के जो भी घटक दल हैं उस पर ईडी और सीबीआई जो संवैधानिक संस्था है उसका उसकी फाइल जो है सो भाजपा मुख्यालय में रखी हुई है और उसी हिसाब से वह, और उस पर उन्होंने नाम भी बोला था, हेमंत सोरेन, तेजस्वी प्रसाद यादव, केजरीवाल वगैरह वगैरह, और अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के जो सब सर्वे सर्वाह करता धरता है, ममता बनर्जी के भतीजा, उनका नाम, इस तरह से कई नाम उन्होंने लिया, तो वो सब पर कहीं ना कहीं वो ईडी की रडार पर हैं वो लोग। तो यह देखने को मिल रहा है कि जो गांडे से सरफराज आलम जेएमएम के विधायक थे, जेएमएम वही जेएमएम जिसके पार्टी माने जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, सिबू सोरेन की पार्टी है, उस पार्टी से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही यह कयास लग रहे हैं, यह कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, अगर यदि ईडी की कार्रवाई होती है, अगर यदि गिरफ्त में आते हैं हेमंत सोरेन, तो फिर वैसी परिस्थिति में कल्पना सोरेन को वहां से गांडे से उम्मीदवार बनाया जाएगा, क्योंकि वह जनरल सीट है और वो जनरल हैं भी वो कल्पना सोरेन, इसीलिए। तो नंबर एक। नंबर दो बात कि एक जो अब इसमें सवाल यह उठता है कि वो जनरल सीट से क्यों, तो यह एक बात और है जो वहां का डोमिसाइल नीति है जो झारखंड की, तो उस डोमिसाइल नीति के तहत ऐसा कहा गया है कि वो मान्यता नहीं, तो जो अगर मान लीजिए जैसे छत्तीसगढ़ लगा हुआ इलाका है, झारखंड से लगा हुआ इलाका, वहाँ पर भी कई जो झारखंड में शादी करके उधर से लोग आते हैं, तो वह उसको मान्यता नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वह डोमिसाइल नीति यह है। तो इसके चलते कल्पना सोरेन के लिए वह सीट खाली किया गया है कि वह ट्राइबल सीट से नहीं, वह जनरल सीट से लड़ें, और वो गांडे जनरल सीट है इसलिए वहाँ से उनके लड़ने की बात आ रही है। तो और यह जो मामला है, इस मामले में कई भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी समेत कई लोग इसमें भी सलाखों के पीछे हैं इस मामले में, तो ऐसे में यह कयास लग रहे थे कि हेमंत सोरेन पर भी ईडी कार्रवाई करेगी, और वो इंडिया अलायंस में ही है, वो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस में ही है, तो ऐसे में इस बात को मनोज झा के बात को जो कहा था उन्होंने, उस बात को बल मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था कि ईडी अपना जो है सो हाथ पांव पसार रही है, और इसी मामले में आज भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है, ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है, नॉट ओनली इन झारखंड, झारखंड के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी कार्रवाई की है। तो यह एक बड़ा मामला
समझ में लेकिन लेकिन आखिर ये तो अब विराम लग गया ना, जो इस्तीफा नहीं देंगे तो अब तो अब क्या लग रहा है, अब आखिर क्या किस लिए फिर वो कुर्सी जो है छोड़ी गई है, आगे भविष्य में ऐसा होगा नहीं, तो नहीं, फिर उसमें, उसमें ऐसा है कि आज ही जो है सो हेमंत सोरेन की जो भी मैंने विधायक दल की बैठक हुई है और मुख्यमंत्री आवास में, और उसमें जो क्या निर्णय हुआ यह तो अभी बाहर नहीं आया है निकल के, लेकिन हाँ सूत्रों से जो जानकारी आई है सामने वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे, उसमें ये हुआ है जो सभी विधायकों ने एक सुर में कहा है जो आप अभी सीएम हैं और आप ही आगे रहेंगे, मतलब ये एक मैसेज पास हो गया। नहीं नहीं ये तो प्रदीप यादव बाहर आए तो उन्होंने कहा नहीं हेमंत सोरेन हमारे सीएम है और वही सीएम रहेंगे। देखिए वो तो ठीक है, अब उसमें कितने कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टनर अलायंस पार्टनर है, तो कांग्रेस में भी यह सवाल उठ रहा था कांग्रेस के कितने विधायक एकजुट है, कितने विधायक साथ में है, जेएमएम के लोग तो चाह ही रहे हैं लेकिन अब उसमें कांग्रेस के कितने हैं यह भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के कितने विधायक उस बैठक में गए। इसमें ये चीज है जो 43 एमएलए वहां मौजूद थे, हाँ, जो 43 एमएलए वो मौजूद थे और फिलहाल ये फैसला लिया गया है जो सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे, तो आखिर मेरा सवाल ये है आपसे जो आखिर इतना सारा नोटिस आने के बाद ईडी का उपस्थित नहीं हुए हैं और अभी फिलहाल जो है अभी ये लगाया जा रहा था कयास हो सकता है बैठक के बाद वो इस्तीफा दे देंगे और जो सीट खाली हुई वहाँ से कल्पना सोरेन उम्मीदवार हो सकते जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तो, लेकिन अब तो ये कहा जा रहा नहीं अब इस्तीफा देने की कोई ऐसी नौबत नहीं, नहीं, नहीं अभी नहीं। देखिए जब ईडी कार्रवाई करेगी जब उन पर जकड़ा वो जब उसमें गिरफ्त में आएंगे तब वो इस्तीफा संभवतः होगा और तब जब इस्तीफा होगा तभी जो है सो फिर वो, लेकिन तब है कि देखिए वो तो किसी सदन के सदस्य नहीं है, उनकी पत्नी बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर वो बनना पड़ेगा, तो वो ऐसी परिस्थिति में वहां पर विधान परिषद भी नहीं है कि विधान परिषद से बना करके आप वहां पर मुख्यमंत्री बना दे, छोटा स्टेट है छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो उसमें वहां पर उनको 6 महीना के अंदर बनना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद वहां पर नवंबर और दिसंबर में संभवतः चुनाव होना है, ये आपको 24 के नवंबर दिसंबर में इसी साल के नवंबर दिसंबर में वहां चुनाव होना है, ऐसे में 6 महीना के बाद अब आप देख लीजिए कि तो वो कितने दिन 3 महीने के बाद, तो अब यह जो जितनी बात हम लोग कह रहे हैं यह सब चुनाव आयोग के पाले में यह गेंद जाती है कि चुनाव आयोग उस 3 महीने की अवधि के लिए वह चुनाव कराएगा, देखिए सबसे बड़ी बात है, तो फिर यह तकनीकी रूप से यह पेंच फंस जाएगा जब 6 महीना के लिए वो उनका है कार्यकाल अगर वो बनती है तो वो 3 महीना जब बचेगा तो उस पीरियड में क्या होगा, तो चुनाव आयोग को ही यह तय करना है या चुनाव आयोग के ही पाले में यह रहेगा कि चुनाव आयोग क्या है, यह एक दूसरी व्यवस्था इसके तहत हो माने दिखती हुई दिखाई पड़ रही है कि तब ये बहुत बड़ा पेंच होगा जेएमएम के लिए झारखंड के लिए, तो ये किस तरह से यह सॉर्ट आउट होगा यह समझने वाली बात है कि यह क्योंकि 3 महीना के लिए तो चुनाव नहीं होगा। अब ऐसे में एक संभावना यह भी है कि लोकसभा का चुनाव होगा, क्या उस समय यह चुनाव होगा एक सीट पर, यह भी एक संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि यह क्या जो लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है 60-90 दिन में तो वो क्या उसी समय यह होगा, यह बात भी एक है, इसलिए इस बात पर भी हमारी ही नहीं आपकी नहीं तमाम नहीं जो तमाम इसके जानकार हैं इस दिशा में भी इस पर भी वो सोच रहे हैं, तो ये हो सकता है ना, इसका मतलब ये हो सकता है अभी वो सीएम रहेंगे आगे भी रहेंगे जब तक उस पर उन पर जो है कोई तरह के संकट नहीं आते, अगर संकट आएगा तो कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी सौंपेंगे और वहां से चुनाव, अब ये चीजें होगी चुनाव आयोग के पास पाला में ये गेंद चला जाएगा, आप कहना यही है ना। हाँ, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं जो अभी ठीक कोई संकट नहीं है, आने वाले समय में संकट होगा कल्पना सोरेन को कुर्सी सौंपेंगे फिर चुनाव लड़ने की बात आएगी तो ये चुनाव आयोग के जिम्मे पाला में आएगा जब भाई आप चुनाव के समय में चुनाव अगर लोकसभा के साथ करवाना चाहते हैं तो या नहीं कराना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें उनके पाला में होगी। लेकिन झारखंड की जो सियासत है इस पर आप कह सकते हैं जो दिल्ली का हालात है झारखंड का हालात नहीं, है देखिए INDIA गठबंधन एक रह सकता है वो जो दिखाई पड़ रहा है बंगाल जो का हालात जो हम एक ही लाइन इससे पहले हम फिर हम बोल दे रहे हैं मनोज झा ने जिस बात को कहा है राष्ट्रीय जनता दल के जो राज्यसभा सांसद हैं कि जो इंडिया अलायंस पर ईडी की दबिश है ईडी जो है सो उसमें किसी न किसी रूप में फंसने फंसाने की बात कर रहा है और वो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है किस तरह से जिस आप उधर छोड़ के इधर चले आइए तो अभी है कई अंदर खाने में यह बात भी चल रही है कि हेमंत सोरेन को भी कई बार कई तरह के की बात भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया लेकिन वह मानने को तैयार नहीं मान वो क्या है वो कहा गया कि आप अब आप जिसे भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी है
बाबूलाल मरांडी को आप वहां पर बना दीजिए मुख्यमंत्री, आप 6 महीना बाद फिर आप बन जाइएगा। तो ये भी बात चल रही है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। तो यह सब बात भी कई तरह की बात है। तो यह देखिए, यह तो चुनाव में तो यह सब प्रेशर, पॉलिटिक्स, तोड़ जोड़ सब चलता रहता है। तो यह सब बात है, और निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है, जो सिनेरियो मनोज झा ने जितनी बात कही है उस बात में दम दिखाई, तो हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ता है कि ईडी पर जो है सो ईडी कैसे कैसे तेजस्वी प्रसाद यादव को भी, अभिषेक बनर्जी को भी वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी के भतीजा को, अब जैसे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को, वो देखिए आपके दो उनके मंत्री जेल के अंदर है, एक राज्यसभा सांसद अंदर है, तो यह सब अरविंद केजरीवाल पर भी जो है सो कई तरह की तलवार लटकी हुई है ईडी की, सीबीआई, तो वह सब तो दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर हेमंत सोरेन पर किसी तरह की कार्रवाई होती है, जितनी बात हमने कही, तो वो निश्चित रूप से ईडी मैंने इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों के बीच में यह एक मैसेज जा रहा है। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि उपाध्याय सर थे, जिनसे हम बात कर रहे थे, तमाम जानकारी इन्होंने दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट अपना राय जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।